हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कन्वर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ लर्न वेल स्मार्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 7 है, द क्रो एंड पीकॉक, इसके क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में कम्प्लीट एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जो इस वीडियो को कम्प्लीट एक्सप्लेन किया था, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की बारी है। ओके, तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने जो क्लासमेट्स हैं, जो आपके साथ में स्कूल में आपके दोस्त जो स्टडी करते हैं, आप उनको भी ये वीडियो शेयर जरूर करें। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट एंड कंपल्सरी थिंग्स। ओके, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हम देखते हैं टिक और क्रॉस करने हमें इन स्टेटमेंट को पढ़ के। पिकॉक वाज गेटिंग मैरिड, क्या पिकॉक की शादी हो रही थी? तो फाल्स है। टाइगर वाज इनवाइटेड टू द वेडिंग, क्या टाइगर को वेडिंग में इनवाइटेड किया गया था? ये भी फॉल्स है, क्योंकि टाइगर की शादी में जा रहे थे लोग। पिकॉक वांटेड टू लुक कलरफुल, तो ये बात सही है, पिकॉक चाहता था कि वो कलरफुल रहे, कलरफुल बने। क्रो हैड सम कैंस ऑफ पेंट, क्या क्रो के पास कुछ पेंट की केन थी? तो यस। क्रो वाज ए ग्रेट आर्टिस्ट, यस ये भी सही है। क्रो पेंटेड हिमसेल्फ इन रेनबो कलर, तो ये बात गलत है। ठीक है, क्रो ने खुद को पेंट नहीं किया था, उसने पिकॉक को पेंट किया था। पिकॉक पेंटेड क्रो ऑल ब्लैक, ये भी सही है बिल्कुल। क्रो लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कलरफुल, तो ये भी गलत है, क्योंकि क्रो तो ब्लैक कलर से पेंट हुआ था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन है वो चूज द करेक्ट आंसर है, हु हैड बीन इनवाइटेड टू द वेडिंग। ठीक है, वेडिंग में किसको इनवाइट किया गया था? तो पिकॉक और क्रो को किया गया था। दिस इज एन इम्पोर्टेंट वेडिंग, हु सेड दिस, ऐसा किसने कहा था? तो पिकॉक ने कहा था। हु हैड सम कैंस ऑफ पेंट, तो क्रो के पास थी कैंस ऑफ पेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ है, व्हाट डिड क्रो पिकॉक, क्रो एंड पिकॉक वांट टू डू फॉर वेडिंग। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे वेडिंग के लिए? तो दे वांटेड टू मेक देमसेल्फ कलरफुल, मतलब वो चाहते थे कि वो कलरफुल जो है अपने आप को बनाना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डिड क्रो हैव, ठीक है, क्रो के पास क्या था? तो सम कैंस ऑफ पेंट। ओके, हाउ डिड क्रो पेंट पिकॉक, ठीक है, क्रो ने पिकॉक कैसे पेंट किया? तो रेनबो कलर्स में किया। हाउ डिड पिकॉक फील, तो पिकॉक को कैसे फील हुआ? पेन ही लुक्ड हिमसेल्फ इन ए पूल ऑफ वाटर, ठीक है, उसने अपने आप को पानी की तालाब में देखा, तो उसे कैसा फील हुआ? तो उसका आंसर है, ही फेल्ट वेरी प्राउड, तो उसको बहुत प्राउड फील हुआ था, क्योंकि वो बहुत कलरफुल हो गया था। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे, हु सेड दीज वर्ड्स, ठीक है, वी आर इन डेंजर, ऐसा किसने कहा था? तो पिकॉक ने कहा था। आई डिड नॉट हियर एनी क्राई, मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी, ऐसा किसने कहा था? तो क्रो ने कहा था। कम हेयर एंड आई विल पेंट यू, ऐसा इस पिकॉक ने कहा था। नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू पेंट माई फेदर्स, ऐसा किसने कहा था? क्रो ने कहा था। ठीक है, जब क्रो ने पिकॉक को पेंट कर दिया था तब कहा था। आगे है, प्लीज यूज योर कलर्स टू मेक मी ब्यूटिफुल, ठीक है, ऐसा पिकॉक ने कहा था, क्योंकि क्रो के पास कलर्स थी, तो पिकॉक ने क्रो से कहा कि अपने कलर का यूज कीजिए और मुझे ब्यूटीफुल बनाइए। आगे देखते हैं, बर्ड पावर है, तो बर्ड पावर में आपको चूज द करेक्ट वर्ड टू ईच कंपैरिजन, ठीक है, एज हॉट एज फायर, ठीक है, फायर हॉट होती है तो इसलिए फायर आएगा। एज कॉल्ड एज आइस, इसमें आइस आएगा। हार्ड एज ए रॉक, इसमें ए रॉक आएगा। बसी एज बी, डीप एज बेल आएगा, इसमें ए बेल। ब्रेव एज एलोइन, स्वीट यानी ग्रीन ए ग्रास, ठीक है, ग्रास ग्रीन होती है। येलो होता है आपका बटर, जेंटल होता है आपका लैम्ब, ठीक है, तो ये फिल कर लो आप जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सेकंड टाइप का जो वर्ड पावर है वो है, इसमें आपको जी और जेड जो है फिल करना है, ठीक है, मतलब कि साउंड वर्ब है, जैसे गॉट तो जी आएगा, ठीक है, जैम तो जे आएगा, जैम में जे की साउंड निकल रही है, गॉट में जी की निकल रही है, ठीक है, टाइगर टाइगर जी की निकल रही है, पेज जे की निकल रही है, ठीक है, गैस तो जी की, जराफ में जे की, जेंटल में जे की,
और गैदर, गैदर में चीकी। ठीक है, ये साउंड आप फील कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 पे आपके ग्रामर इन यूज है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमें पहले इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ही इज गोइंग टू वॉश हिज हैंड्स। ठीक है, ये तो दे रखा है। दे आर गोइंग टू वॉश देयर हैंड्स। ठीक है, देयर हैंड्स आ जाएगा इसमें। वी आर गोइंग टू वॉश आवर हैंड्स आ जाएगा इसमें। आई एम गोइंग टू वॉश माई हैंड्स आ जाएगा इसमें। सी गोइंग टू वॉश देयर हैंड्स आ जाएगा। आर यू गोइंग टू वॉश योर हैंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंप्लीट है, नोट कर लीजिए यहाँ से। आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। तो इसमें आई लीव विथ माई पेरेंट, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, वी लीव विथ आवर, तो इसको लिख सकते हैं वी लीव विथ आवर पेरेंट। थर्ड है डू यू लीव विथ योर पेरेंट। डज ही लीव विथ हिज पेरेंट्स। डज सी लीव विथ हिज की जगह हर आ जाएगा क्योंकि सी है ये पेरेंट्स। डू दे लिव विथ देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, फिल कर लो यहाँ से। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप वीडियो को पॉज कर लो। चूज द राइट वर्ड। ठीक है, तो देखो दिस इज अलका, सी इज माई सिस्टर, तो माई आएगा इसमें। यहाँ पर सी आएगा और 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आई आएगा इधर, आई एम ओनली। ठीक है, नाइन, फिर आएगा बी लीव आवर पेरेंट्स, तो बी आएगा। ठीक है, इन ए फ्लैट, फिर आएगा इट इज ए स्मॉल फ्लैट। ठीक है, फ्लैट के लिए इट आएगा, बट लाइक इट, तो बी आएगा, हम लाइक करते हैं। और हैव ए डॉग, तो बी हैव ए डॉग, उसमें भी आएगा। और इज एन, ठीक है, एल सेशन, इसमें इट आएगा। तो ये फिल कर लीजिए आप। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज 82 पे। 82 पे कुछ आपको ये दे रखा है, व्हाट आर पीपल सेइंग, पीपल क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ये फिल कर लीजिए आप। इसमें कह रहा है पुट योर हैंड्स अप। ठीक है, इसमें कह रहा है बी केयरफुल डोंट ड्रॉप इट, बी केयरफुल डोंट ड्रॉप इट। इसमें कह रहा है प्लीज कम एंड सिट डाउन, प्लीज कम एंड सिट डाउन। इसमें कह रहा हैव सम मोर कॉफ़ी, हैव सम मोर कॉफ़ी। चलो आगे देखते हैं ये वाला, तो इसमें कह रहा है ओपन योर माउथ प्लीज। ठीक है, ओपन योर माउथ प्लीज। इसमें कह रहा है स्टे इन बेड डोंट गो आउट, स्टे इन बेड डोंट गो आउट, स्टे इन बेड डोंट गो आउट। इसमें कह रहा है प्लीज, सॉरी, ओपन योर सूटकेस प्लीज। ठीक है, इसमें कह रहा है ओपन योर सूटकेस प्लीज, ओपन योर सूटकेस प्लीज। ठीक है, ये कंप्लीट है। अब नीचे है लिसन प्लीज। ठीक है ना, तो इसमें क्या फील करना है देखते हैं। केयरफुली लिसन करना है, डिसाइड करना है विच वन दिस इज स्पीकिंग। ठीक है, तो ऐसे देखो, अच्छा इसमें फर्स्ट करना है, नंबरिंग डाल दो, इसमें टू, फिर इसमें फोर, थ्री इसमें करेगा, फाइव इसमें कर देना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज आपका 83 है ये वाला। इसमें आपको नीचे फिल करना है, ये फाइव और सिक्स सेंटेंस फिल करना है आपको पिक्चर को देख के, तो फिल कर सकते हो आप। पहला है बी सी ए पिकॉक इन दिस पिक्चर, मतलब हमने इस पिक्चर में एक पिकॉक देखा। इट इज डांसिंग, जो कि डांस कर रहा था। इट हैज लवली आईस आई स्पॉट इन हिज फिट फैदर्स, मतलब इसके फैदर्स में आईज स्पॉट्स हैं। ठीक है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है देयर इज ए पीहन आल्सो, मतलब कि एक पीहन भी था ये वाला।
सी इज नॉट एज ब्यूटिफुल, मतलब वो ब्यूटिफुल नहीं था पीकॉक की तरह, ठीक है। तो ये है आपके 5-6 सेंटेंसेस, आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैंने आपको इसमें बताया था इसमें वन फील कर लो, इसमें टू फील कर लो, ऐसा इसलिए बताया था क्योंकि देखो ये क्वेश्चन थे, आई लिव इन ट्रीज, आई लव बनानाज, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये फर्स्ट नंबर यानी कि मंकी ने कहा था। आई एम मैंस फ्रेंड, आई गार्ड हिज, ये किसने कहा था, डॉग ने कहा था। तो डॉग को हमने टू नंबर दिया, मंकी को वन नंबर दिया, ठीक है। आई एम बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड, आई हैव ए ट्रंक, ये एलिफेंट ने कहा था, तो इसलिए 3 मार्क्स दिए उसको हमने। ऐसे ये वाली चीज़ थी वो, ओके। अब देखो आगे हम आंसर द फॉलोइंग देखते हैं। वैसे इसमें क्वेश्चन है नहीं, बट ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। हु हैड बीन इन्वाइटेड टू द वेडिंग, ठीक है। तो पिकॉक एंड क्रो को इन्वाइट किया गया था वेडिंग में। हु हैड सम केन्स ऑफ पैंट, ठीक है, किसके पास जो है पेंट की केन थी, तो क्रो के पास थी, ठीक है। इनका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंप्लीट बताया है, उधर मैंने थोड़ा शॉर्ट बताया था। द क्रो हैड सम केन्स ऑफ पैंट, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट डिड क्रो एंड पिकॉक पैंट टू डू फॉर वेडिंग, ठीक है ना। तो दे वांटेड टू मेक देमसेल्फ कलरफुल, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन 4 का आंसर है हाउ डिड क्रो पैंट पिकॉक, ही क्रो पैंट पिकॉक इन रेनबो कलर, ये इसका आंसर है क्वेश्चन 4 का, यहाँ से लिख सकते हो। और हाउ डिड पिकॉक फील वेन ही लुक एट हिमसेल्फ इन ए पॉन्ड ऑफ वाटर, ठीक है, कैसा फील किया उसने, तो इसका आंसर है ही फेल्ट वेरी प्राउड, ठीक है ना। तो बच्चों ये है आपके क्वेश्चंस, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये कंप्लीट है वीडियो आपकी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने क्लास में साथ में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।